नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें, यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। योगी के साथ 2 मुख्यमंत्री समेत करीब 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। इसी के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। 24 मार्च को लोकभवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, इतिहास में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री एक बार फिर शपथ लेगा, लेकिन बताया जा रहा है 30 से 40 जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं और साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। किसके नाम पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही है उप मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि 5 साल का सफलतापूर्वक जो कार्यकाल है जो बीजेपी ने निभाया, उसके बाद फिर एक बार दूसरी बार अब शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा जा सकता है कि जो मिथक थे 37 साल पुराने, उनको तोड़ते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे लगभग 4 बजे 25 मार्च को। कहा जा सकता है इसमें लगभग जो है 40 से 42 जो है जो मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, वो शपथ लेंगे। और साफ कहा जा सकता है इकाना स्टेडियम में काफी तैयारियां भी चल रही हैं, लगातार जो वहां की तैयारियां हैं बंदोबस्त है वो किए जा रहे हैं। उसी के साथ वहां पर मौजूदगी की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, कई सारे ऐसे लोग हैं जो रहेंगे और जितने भी बीजेपी के शासित राज्य हैं उन सभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बुलाया जाएगा और वो सभी जो है मंच पर मौजूद रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं विपक्षी नेताओं की, तो जो सपा के सदस्य थे मुलायम सिंह यादव, उसी के साथ अखिलेश यादव, कांग्रेस से प्रियंका सोनिया गांधी, और इन सभी को जो है विपक्षी दल के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जाएगा, उन सभी को भेजा जाएगा। इसी के साथ कह सकता है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, उनसे जो लाभार्थी हैं जो महिलाएं हैं उनको। शुभम, ये और जानना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि 2 लोग बनाए जा सकते हैं, किस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड के राज्यपाल थी, उनको एक जो है सीट से विधायक बनाया गया, विधायक के बाद उनको एक कहा जा सकता है कि एक लंबी पारी देने की बात चल रही, कह सकते हैं कि उनको जो है मंत्री जो है बनाया जा सकता है। उसी के बाद आसिम अरुण जो है वो एक जो है अच्छे कैडर के अधिकारी रहे, उनके नाम भी एक तरीके से चल रहा है। अगर हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य संगठन में भेजने की बात कही जा सकती है कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसी के बाद जो दिनेश शर्मा है, दिनेश शर्मा की जगह पे आसिम अरुण को लाया जाएगा, जिससे कि जो साफ पाया जाता है कि 2024 की तैयारी को लेकर के बीजेपी एक जो मंत्रिमंडल है उसको पूरा तरीके से विस्तार करेगी, उसका जो है नए तरीके से गठन करेगी। जी बिल्कुल, मंत्रियों के और उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर लगातार जो चर्चा है वो जोर है, लेकिन एक और चीज है कि इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह बेशक बहुत भव्य होगा, लेकिन ऐसे में तैयारियां किस तरह से चल रही है, किस तरह का रंग रूप ले रही है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा चर्चा किस नाम पर है विपक्ष के नेता पर, कि उनको न्योता तो दिया गया है, क्या वो आएंगे या नहीं, इसको लेकर? यह बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो उनको भी जो आमंत्रित
जो निमंत्रण है वो भेजा जाएगा, और कह सकते हैं जो जो सोनिया गांधी है उनको भी भेजा जाएगा, प्रियंका गांधी, इन सभी नेताओं को भेजा जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि मंच पर कितने लोग पहुंचते हैं और कौन आते हैं, लेकिन पार्टी के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, उसी के साथ जो बीजेपी के जो सांसद हैं उन सभी के मुख्यमंत्री जो है वो भी आएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से जो महिलाएं हैं जो सरकार की योजनाओं से जिन महिलाओं को लाभ पहुंचे उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने का एक मौका दिया गया है, वो जो महिलाएं हैं उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम जी। तो हम आपको बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है और कई बड़े नेताओं जो कि विपक्ष में इस वक्त मौजूद हैं उनके आने की भी चर्चा जोरों पर है, और साथ ही साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और साथ ही साथ कई मुख्य जो मंत्री पद हैं कई लोगों को उससे भी नवाजा जाएगा।